आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस सिवनी में मनाया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और उन्होंने 24 जून 1564 में अंतिम सांस ली थी। वे गोंडवाना की रानी थी। उन्होंने गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के पुत्र राजा दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था और उनका एक पुत्र था वीर नारायण। नाबालिग होने के दौरान 1550 से 1564 तक गोंडवाना की रीजेंट के रूप में उनके द्वारा काम किया गया। उन्हें मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के खिलाफ गोंडवाना की रक्षा के लिए याद किया जाता है। 1542 में उन्होंने गढ़ा साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र राजा दलपत शाह से विवाह किया था। इस विवाह के माध्यम से महोबा के चंदेल और गढ़मंडला राजवंश के राजकोण सहयोगी बन गए थे। राजा दलपत शाह के अवसान के बाद 1550 ईस्वी में उत्तराधिकारी के रूप में वीर नारायण को नामित किया गया था, जो सिर्फ 5 वर्ष के थे। तब उनकी पत्नी रानी दुर्गावती ने नए राजा के अल्पवयस्क होने के दौरान रीजेंट के रूप में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर संभाली। दीवान अधर कायस्थ और मंत्री मान ठाकुर ने रानी को प्रशासन को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संभालने में मदद की थी। रानी दुर्गावती ने अपने पूरे परिवार पूरे राज्य में शांति व्यापार और सद्भाव को बढ़ावा दिया था। इस दौरान उनके द्वारा अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गईं। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया था। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी को रानी दुर्गावती का जन्म होने के कारण आपका नाम रानी दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही वे तेज साहस और शौर्य के साथ सुंदरता की भी प्रतीक मानी जाती थीं। महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, विवाह के महज 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती के पुत्र बहुत छोटे थे, इसलिए रानी दुर्गावती ने स्वयं ही गणमंडला का शासन संभाल लिया था। वर्तमान में उनके राज्य का केंद्र जबलपुर था। सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नज़र डाली, किंतु उन्हें मुँह की खानी पड़ी। रानी दुर्गावती ने तीनों मुस्लिम राज्य को बार बार युद्ध में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राज्य इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाना की ओर झांकना बंद कर दिया। इन तीनों राज्यों की विजय में रानी दुर्गावती की अपार संपत्ति उनके हाथ लगी थी। रानी दुर्गावती को हिंदू एक बड़ी महारानी माना जाता है। रानी दुर्गावती के बारे में जो भी जानकारियाँ मिलती हैं वे बहुत ही ये कहा जा सकता है कि वीर थी, योद्धा थी, बहुत सुंदर थी। उसके साथ में वे बहुत ज़्यादा युद्ध में पारंगत मानी जा सकती थी। वे उनका तेज देखते ही बनता था, साहस और शौर्यता की वे प्रतीक थी और इस सब के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। गांधी भवन स्थित रानी दुर्गावती के इस स्मारक पर आप देख सकते हैं उन्हें याद किया गया, उन्हें नमन किया गया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई लोगों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती के इसे बलिदान दिवस के रूप में भी लोग से मनाते हैं और रानी दुर्गावती याद किया जाता है, बलिदान दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती के इस वीरांगना महारानी दुर्गावती
मड़ावी के 460वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गौंड समाज महासभा सिवनी के द्वारा ये आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। गांधी भवन आपको पार्श्व में दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा सिवनी के गांधी भवन के समीप रानी दुर्गावती की बनाई गई है। और आपको एक जानकारी और हम दे दें, ऐसी मान्यता है कि रानी दुर्गावती के पति राजा दलपत शाह के नाम पर ही सिवनी का ऐतिहासिक दलसागर तालाब है, जो दलसागर तालाब 2 सालों से अपनी दुरावस्था पर आंसू बहा रहा है। जिला मुख्यालय में इस तालाब के अस्तित्व में आने के बाद संभवतः पहला मौका होगा कि दूसरी बारिश में भी इसे शायद ही भरा जा सके। पिछली बारिश में इसे पूरा खाली रखा गया था। तत्कालीन सांसद विधायक कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं हुई। हालत तब है जब सिवनी में नगरपालिका परिषद पर कांग्रेस का कब्जा है और प्रदेश में भाजपा है, सांसद विधायक भाजपा के। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।